अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू. You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere. Because your sophisticated rhetorician, intoxicated by the exuberance of your own verbosity. Amitabh Bachchan ने ये जुमला आज से कुछ 45 साल पहले फिल्म अमर अकबर एंथनी के गाने My Name is Anthony Gonzalez में कहा. Right, my name is Anthony Gonzalez. इसी तरह 5 साल के बाद अमिताभ बच्चन ने बहसियत अर्जुन सिंह भी एक अंग्रेजी का नमूना पेश किया था. लो कर लो बात, अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड. इन दोनों परफॉर्मेंसेस में खास बात है, यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्स्टापोजिशन. पहली वाली में तारीखी हवाला है जबकि दूसरी वाली में एक तारीखी गलती. आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज. अगर आप तारीखी हवाला या तारीखी गलती दोनों में से कोई एक चीज बता देते हैं तो यू विन. अपन को अंग्रेजी नहीं आता है भाई. और अगर ऐसा नहीं हुआ देन यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू माई ग्रुप, शेयर दिस वीडियो और लाइक तो करना ही पड़ेगा. अब सब समझ गया. 1860s और 1870s में बर्तानिया की सियासत में भी वही चल रहा था जो 90s में पाकिस्तान की सियासत में था. बेनजीर नवाज शरीफ, बेनजीर नवाज शरीफ, बेंजामिन डिज़राइली और विलियम ग्लैडस्टोन प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, हट रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे. उसमें बेंजामिन डिज़राइली जो थे इन्होंने एक तकरीर के दौरान अपने मुखालिफ पे गुस्से में आकर कहा, योर सोफिस्टिकल डिस्टॉर्शन इनिब्रेटेड बाय द एग्ज्यूबरेंस ऑफ योर ओन वर्बोसिटी. 27 जुलाई 1878 की बात है. अमिताभ बच्चन ने ये चीज़ उठाई और 99 ईयर्स के बाद इसे एक फिल्म में एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया. करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल. ये जो था तारीखी हवाला. अब आते हैं तारीखी गलती की तरफ. एंड अल्टीमेटली विजय हजारे वेंट टू विजय मर्चेंट. फिल्म नमक हलाल में अमिताभ बच्चन अर्जुन सिंह बनकर रंजीत के पास आए थे नौकरी मांगने. लो कर लो बात, बाबूजी हम चीज नहीं है, मारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है. इंग्लिश के लाफ टाक और फनी में कोई मसला तो नहीं है लेकिन जब कमेंट्री शुरू की. इन द ईयर 1929 सर व्हेन इंडिया वाज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न सिटी. ये हो गया गलत क्योंकि इंडिया की टीम ने पहला टेस्ट मैच 1929 में नहीं 1932 में खेला है और उनका मुखालिफ ऑस्ट्रेलिया नहीं इंग्लैंड था. सर मेरे इस सामान्य ज्ञान पर आपको कुछ विशेष टिप्पणी करनी है.